ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं, ठोकर लगने का सही मायने में मतलब ये है कि अब आप संभल जाएं। हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी हेलो के साथ स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। भाई आज की क्लास रहने वाली है वही पार्ट्स में, हम जैसे पिछली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं आज आपकी रहेगी। जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि रिपोर्ट ये भी जारी किसने की है, इसमें इंडिया की रैंक किसने क्या रही है या फिर किसी पर्सन की रैंक क्या रही है और इसमें टॉप किसने किया है। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। 7-8 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास रहने वाली है और इसमें अप्रोक्सीमेटली आपकी 30 रिपोर्ट्स होने वाली हैं, जिसमें क्या होगा कि जनवरी से लेकर सितंबर तक आपको कोई भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर हैं एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ से एक भी रिपोर्ट बाहर आने वाली है। ओके तो अब शुरू करते हैं। देखिएगा, नेशनल क्लीनलेस रैंकिंग फॉर फर्स्ट टू क्वार्टर्स, पहले दो क्वार्टर का मतलब क्या है कि इंडिया के जैसे 4 क्वार्टर होते हैं, दो क्वार्टर की क्या है रिपोर्ट निकाली गई इंडिया की, नेशनल इंडिया की रिपोर्ट रही जो किस पर रही, क्लीनलेस पर। और इसमें क्या रहा इंडिया ने, ये किसने निकाली, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और ये किसके अंडर आती है, ये आपकी आती है हरदीप सिंह पुरी के अंडर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। अब देखो भाई इसमें क्या है, टॉप किसने किया है, इंदौर ने, जो 10 लाख से पॉपुलेशन से अधिक वाले राज्य हैं। और भाई इसमें लास्ट कौन रहा है, कोलकाता वेस्ट बंगाल रहा है। और दूसरा यहाँ से ना दो दो टॉप बनेंगे, पहले 10 लाख से ज़्यादा आबादी में तो इंदौर, और 1 से 10 लाख की बात करें तो वो है कौन सा, जमदेशपुर। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, 1 से 10 लाख में जमशेदपुर और ओवर 10 लाख मतलब 10 लाख से ज़्यादा में इंदौर, और लास्ट कौन रहा, कोलकाता। ओके मैम, अगली 5th बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020, इसमें क्या है कि इसमें हम जो लीडर होते हैं ना देश के लीडर्स, उनको कि उनके अंडर क्या है कि पॉलिटिक एनवायरनमेंट कितना कंट्रोल में है, रिस्क में है, कि सारा कुछ एक साइड में जा सकता है, बहुत से पैमाने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है आपको चीज़ जो ध्यान में रखनी है, 5th बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क 2020 की रैंक लाई गई, और ये भी किसने की, ये रशिया ग्रुप जो रिपोर्ट रहा उसने, जिसमें इंडिया की रिपोर्ट रही 5th, और कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो लीडर हैं उनके अंडर जियोपॉलिटिकल में इंडिया का जो रैंक रहने वाला है रिस्क में, वो 5th रहने वाला है। दोनों रिपोर्ट्स हो गई। 3rd, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, हैनले पासपोर्ट, भाई हैनले क्या है, एक लाइक जिसने इसे लीज किया है, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 निकाला गया। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, लाइक कितनी कंट्रीज में वो क्या रहता है, वैलिड रहता है, चलता है बिना किसी लाइक रुकावट परेशानी के, ऐसी चीज़ें इसमें रखी गई। तो टॉप किया जापान ने, जापान का जो पासपोर्ट है उसे सबसे ऊपर या मान अगर बात करते हैं काफ़ी बोल्ड माना गया, इंडिया का रहा 84th पर। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020, ये जो है डेवलप किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा, और प्लस में अलायंस ऑन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा, BEE और AEEE इन दोनों ने मिलकर एक इंडेक्स निकाला, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019, ये इंडिया का रहा। इसमें क्या है बताया गया कि कौन सा राज्य कितना एनर्जी में ऊपर रहता है इंडेक्स में, तो हरियाणा इसने टॉप किया था और सेकंड पर रहा था कर्नाटका। दोनों चीजें आपको यहां से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020, भाई ये लीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2020, ये रिलीज कौन करता है, तो ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020, इसका ये पहला एडिशन रहा, ध्यान में रखिएगा, और इंपॉर्टेंट इसीलिए बन गया ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020। रिलीज किसने किया, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। टॉप किया है डेनमार्क ने, इंडिया की रैंक रही है 76। नोट स्क्रीनशॉट की टेंशन मत लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी, कहां पर, GK बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा वहां पर। आगे देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020, भाई देखो नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 रिलीज की गई। ये रिलीज कौन करता है, जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। इसका हेड
हेडक्वार्टर कहाँ रहता है? न्यूयॉर्क यूएसए में रहता है। 24 अक्टूबर 1945 में ये फाउंड किया गया था और इसके जनरल कौन है? अभी एंटोनियो गुटरस है यूएन के। तो नाम आपको इसमें टॉप वगैरह कुछ नहीं कहते, इसमें सिर्फ आपको चीज़ें बताई जाती हैं सिनेरियो से, अगर बात करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 किसने रिलीज की? यूएन ने। यूएन के बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस, 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया था और एंटोनियो गुटरस इसके सेक्रेटरी रहते हैं। आगे देखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, ठीक है भाई, ये कौन करता है? ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ही इसे रिलीज करती है। इसके बारे में देखिएगा, ये बताती है कि गोल्ड लेने वाला, लाइक लोन लेने वाला गोल्ड पर सबसे ज्यादा किसने टॉप किया या इंडिया कौन से रैंक पर रहा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया में आरबीआई है वो 6 नंबर रहा है गोल्ड से, अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 नंबर पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहा है लोन लेने में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ये इंडिया की एक रिपोर्ट रही है और इसके अंडर ध्यान में रखिएगा, मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटी है वो झारिया झारखंड की है और मोस्ट जो लिस्ट पॉपुलेटेड है वो है लुंगलेई मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई इंडिया के द्वारा कैबिनेट, अगर यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें क्या है, झारखंड का जो झरिया रहा ना सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जिसे बताया गया है और मिजोरम का लुंगलेई है उसे क्या है सबसे कम पॉल्यूटेड एरिया बताया गया है। दोनों नाम आपको यहां से ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, आई होप इसके बारे में ज्यादा चीजें बताने नहीं है, नीड नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है 2019, इसे सबसे पहले कौन लॉन्च करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट करती है, टॉप नॉर्वे ने किया था, इंडिया ने रैंक लाई थी 51st। ये आप देख रहे होंगे टॉप 5 कौन कौन से हैं, जैसे ये पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। आगे, हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग इंडिया स्टेट 2018-19, भाई ये इंडिया करता है रिलीज कि वेजिटेबल में, इंडिया में जो वेजिटेबल्स प्रोडक्शन हुआ उसमें टॉप किसने किया, लास्ट कौन सा रहा। सबसे पहले दो नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे, वेजिटेबल का अलग से, फ्रूट का अलग से। फ्रूट की जब बात करते हैं तो टॉप किया वेस्ट बंगाल ने और वेजिटेबल की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने। पहले पिछले साल उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश फ्रूट में, लेकिन इस बार कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। आंध्र प्रदेश वेजिटेबल वाला सेम है, याद रखिएगा। आगे, वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग ट्रेंड इनिशिएटिव, ठीक है भाई, वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग अगर बात करते हैं हम, इसमें क्या रहता है कि जो माँ का दूध है उससे रिलेटेड एक इंडेक्स निकाला जाता है, तो इसमें सबसे ऊपर अगर बात करते हैं टॉप किया था श्रीलंका ने, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जो वर्ल्ड ये ब्रीस्ट फीडिंग वीक है ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कौन से मंथ में रहता है, ये आप बताना, ठीक है। और टॉप इसमें किसने किया है, श्रीलंका ने किया है। आगे, 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, क्या रहा भाई 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट रही, जिसे रिलीज कौन करता है, थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम करती है और इसमें टॉप किसने किया है, जो फाउंडेशन रही कौन सी, इंडिया ऑब्जर्वर, इंडिया की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन रही, उसने 27 रैंक हासिल की है और हर बार यही करती आई है, इकलौती रही है, ध्यान में रखिएगा। जो थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट है ना उसमें इंडिया का जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो 27th नंबर पर रहा। ओके, आगे देखिएगा, प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील रिपोर्ट, सिंपल सा रहा, क्रूड स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए एक रिपोर्ट निकाली गई जिसके अकॉर्डिंग कहा गया कि इंडिया है वो 2nd नंबर पर है और चाइना 1st नंबर पर है। अब यहाँ से स्टील मिनिस्ट्री थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के अंडर आती है। ओके, आगे, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, ध्यान में रखिएगा, रिलीज कौन करता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर करता है। इसमें टॉप किया था यूएस ने और इंडिया की रैंक रही थी 40th। कौन सी रिपोर्ट रही, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, इसे रिलीज किया था ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने, टॉप यूएस ने किया और इंडिया की रैंक रही थी 40th। ओके मैम, आगे देखिएगा, मॉक लैब बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020, ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो मॉक लैब है ना ये एक टाइप से अगर बात करें स्टडी कह सकते हो,
ये एक टाइप से स्टडी रहती है। और इसमें क्या है, बिजनेस स्कूल रैंकिंग निकाली गई, जिसमें टॉप तो HEC पेरिस फ्रांस ने किया, लेकिन जो इंडिया की तरफ से रैंक लाया ना, वो थर्ड लेकर आए कौन भाई, IIM बेंगलोर। ये एक स्पेशल क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, MOOC लैब से कहा गया है। और इसमें क्या है, बहुत सी अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो इसे लाने वाला, इसमें इम्प्लीमेंट करने वाला, तो इंडिया की तरफ से IIM जो बेंगलोर है वो तीसरे पोजिशन पर रहा था, और जो HEC पेरिस फ्रांस है वो पहले नंबर पर रहा था। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस एंथनलॉग। अगर बात करते हैं लैंग्वेज की, तो भाई सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली इंडिया में, वो बात करती हूँ वर्ल्ड में कौन सी है, इंग्लिश ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन, सबको पता है। टॉप दूसरी है चाइनीज मैड्रिन, और थर्ड रही थी हिंदी। और इसका जो पता है, तो आपको भी 22nd एडिशन निकाला गया था। कई बार एग्जामिनर का भी दिमाग घुमा होता है, वो सिंपल ये भी पूछ लेता है कि इस बार इसका कौन सा एडिशन निकाला गया, तो ध्यान में रखना है 22nd एडिशन इसका निकाला गया था। ओके, आगे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, ये रिलीज की जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा, टॉप नॉर्वे ने किया था, और इंडिया की 77th इसमें क्या रही थी, रैंक रही थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या रहा, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 किसने रिलीज किया, UN ने, और टॉप नॉर्वे ने किया था, और इंडिया ने रैंक इसमें लेकर आया था 77th। ओके, आगे देखिएगा, आगे आपका रहा हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरुन की एक लिस्ट रही जिसमें रिच लोगों का जिक्र किया गया। अभी सबसे ज्यादा रिच कौन है, दिख रहे होंगे जेफ बेजोस फर्स्ट नंबर पर रहे। ठीक है, जेफ बेजोस फर्स्ट नंबर पर रहे, जो अमेजोन US से बिलोंग करते हैं। 9th नंबर पर रहे थे मुकेश अंबानी, इंडिया से अगर हम बात करते हैं। और कंट्री देखो भी, इसमें पर्सन अलग से रहे थे, जेफ बेजोस फर्स्ट, मुकेश अंबानी इंडिया की तरफ से जो 9th रहे थे, और कंट्री अलग से थी। टॉप पे रही थी चाइना, और इंडिया की जो रैंक थी वो थी 3rd। ठीक है, जो हुरुन क्या रही, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट रही, उसमें टॉप चाइना ने किया था, इंडिया 3rd पे था। ओके, ध्यान में रखिएगा। आगे टॉप 500 ग्लोबल NGOs, जो क्या रहता है आपका, NGOs होते हैं, उसमें टॉप 500 चुने गए। इंडिया का कोई NGO ऑफकोर्स देखो जो रहा, तो उसमें टॉप किया था भी ब्राक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश ने। सिंपल याद रखिएगा, BRAC जो क्या रहा आपका, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश का रहा, उसमें इसने टॉप किया था। और ये कौन सा रहा था, टॉप 500 जो ग्लोबल NGOs इंडेक्स निकाला गया था उसमें। आगे डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ये तो बहुत बार बता चुकी हूँ, टॉप किया था भाई गुजरात ने, ध्यान में रखना है आपको। आगे ठीक है, आगे देखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन इंडिया पोषण अभियान। देखो सिंपल सा, पोषण अभियान एक चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो पोषण अभियान है, इसे रिलीज किसने किया था, नीति आयोग ने, जो अमिताभ कांत आपको पता होंगे इसके CEO रहे। टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने, पोषण अभियान को इंप्लीमेंट करने वाला राज्य कौन रहा, टॉप पर आंध्र प्रदेश। और पोषण पखवाड़ा, यहाँ से ध्यान में रखिएगा, जो आपका पोषण से रिलेटेड पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया था, वो कब से कब तक, 8 से 22 मार्च तक सेलिब्रेट किया गया था, ध्यान में रखिएगा। ओके, कब से कब तक पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया, 8 से 22। टॉप किया था पोषण अभियान को इंप्लीमेंट करने में आंध्र प्रदेश ने। ओके मैम, आगे मोस्ट लुक्ड अप वुमेन ऑन द इंटरनेट, ये रहा। आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, ऑफ कोर्स मैम करते हैं, तो गूगल ने क्या किया, एक रिपोर्ट निकाली, उसने कहा कि मोस्ट सर्च वुमेन से रिलेटेड भी किस किस चीज में सबसे ज्यादा किसे सर्च किया गया है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं म्यूजिक में, तो टेलर स्विफ्ट सभी को पता होगा भी इनका, तो टेलर स्विफ्ट रही। स्पोर्ट्स में सेरेना विलियम्स रही। कॉमेडी में ओका ओवका फीना रही। और नॉवलिस्ट में टॉनी मॉरिसन रहे। ठीक है, ये तीनों रही, और इन तीनों का आपको ध्यान में रखना है, टेलर स्विफ्ट म्यूजिक में, सेरेना विलियम्स स्पोर्ट्स में, अगर बात करें ओवेकी फीना कॉमेडी में, और टॉनी मॉरिसन किस में रही भाई, ये नॉवलिस्ट में रही, जो टॉप सबसे ज़्यादा सर्च की गई थी 2019 में गूगल में। ओके, आगे देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF यंग ग्लोबल लीडर, यंग ग्लोबल लीडर की एक लिस्ट निकाली, किसने निकाली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इसमें ना दो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, जो इंडिया की तरफ से रहे थे, आपने यूज़ की होगी या फिर आपने देखी होगी, बायजू ऐप। तो इसके जो फाउंडर रहे कौन भाई, बायजू रविंद्रन। ठीक है, और दूसरा जो आपके रहे, जोमेटो के को फाउंडर गौरव गुप्ता, जोमेटो जो बहुत सी कंट्रीज में आज काम कर रहा है, बायजू भी, तो इन दोनों के जो फाउंडर रहे थे बायजू रविंद्रन और गौरव गुप्ता, इन दोनों का नाम
क्या है, WEF की यंग लीडर जो रैंक रही थी, रिपोर्ट रही थी, उसमें था। दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आगे, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020, ग्लोबली एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें पैमाने को देखते हुए एक इंडेक्स निकाला गया, जिसके अकॉर्डिंग एक बात कही गई कि इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर है एनिमल्स के प्रोटेक्शन में, ठीक है। और टॉप की बात करें तो स्वीडन ने किया था, और इसे रिलीज कौन करता है, जो वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, एक वेलफेयर चैरिटी, इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी रहा, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन जो इसे रिलीज करता है, क्या, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020। और इंडिया कौन से नंबर पर रहा है, दूसरे पर, टॉप किसने किया है, स्वीडन ने। आगे, वुमेन ऑन बोर्ड 2020 रिपोर्ट, ये समझ लीजिएगा, वुमेन ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि एक बिजनेस में आप काम कर रहे हो, बिजनेस में बोर्ड होता है ना, जिसमें 10-12-15 मीटिंग्स होती है, उसमें मैन वर्सेस वीमेन रेशियो कितना है, ऐसी रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें क्या है, टॉप किया भी नॉर्वे ने, कि जिसमें क्या है कि लाइक अगर 10 मेल हैं तो उसमें क्या होंगी, वीमेन मैन इक्वालिटी कितनी रखते हैं, यही तो टॉप किया था नॉर्वे ने, और इंडिया रहा था 12th नंबर पर। इसे रिलीज कौन करता है, भी माय हायरिंग क्लब और सरकारी नौकरी, इन दोनों को मिलकर क्या करती है, लॉन्च करती है, ये दोनों मिलकर वुमेन एंड वर्ल्ड इंडेक्स जो रिपोर्ट रहती है उसे लॉन्च करती है। और 2020 में इंडिया की रैंक रही थी 12th, और टॉप किया था नॉर्वे ने। आगे देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, भाई ये तो सभी को पता होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया की रैंक थी 140th, और टॉप किया था फिनलैंड ने, और यूएन इसे क्या करता है, रिलीज करता है। और इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की 2020 की रैंक कौन सी, मतलब कौन सा एडिशन था, 8th था, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020, भी इसे कौन रिलीज करता है, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, एशियन आउटलुक डेवलपमेंट 2020, इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज करता है। आगे, द रिचेस्ट इन 2020, ऊपर हम पढ़कर आए थे हुरून से रिलेटेड एक लिस्ट, और ये रही आपकी द रिचेस्ट रिपोर्ट, जो क्या है, फोर्ब्स के द्वारा, वो हुरून के द्वारा, ये फोर्ब्स के द्वारा निकाली गई, सेम रहा, जेफ बेजोस इसमें फर्स्ट रहे, और बात करते हैं सेकंड, तो बिल गेट्स रहे, ठीक है। मुकेश अंबानी की वैसे हाल में इसमें क्या है, कोई रैंक नहीं दिखाई गई। आगे देखिएगा, ऑक्सफोर्ड COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर, क्या रही, ऑक्सफोर्ड COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर, जिसमें टॉप किया इंडिया ने, और यूके क्या रहा इसमें, लास्ट में रहा, लाइक COVID-19 के रिस्पॉन्स को ट्रैक करने के लिए, कि कितना ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, तो उसमें टॉप किया था किसने, इंडिया ने, और यूके जो रहा वो रहा था आपका लास्ट में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, भाई ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, और इंडिया की इस बार इसमें रैंक रही थी 74th, टॉप किया था स्वीडन ने। दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, तो टॉप किसने किया, स्वीडन ने किया था, और इंडिया की रैंक रही थी 74th, और इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। आगे, 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स, एथलीट्स की इसमें बात की गई है कि हाईएस्ट पेड एथलीट्स कौन रहे हैं, तो जो रहे हैं वो है रोजर फेडरर, भी रोजर फेडरर आपको नेम पता होगा काफ़ी, अगर नाम आता है, दूसरे नंबर थे रोनाल्डो, और अगर बात करते हैं इंडिया की तरफ से तो सिर्फ विराट कोहली का नेम था जो 66th नंबर पर था, और ये फोर्ब्स के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। आखिरी देखिएगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, लाइक मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कितना रिस्क कोई लेता है, उसमें क्या रिस्क हायर रहता है, कौन सी कंट्री लाइक कोई मैन्युफैक्चर चीज़ें करती है उसमें, तो एक इंडेक्स निकाला जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, और ये रिलीज कौन क्या करता है, भाई यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वॉकफील्ड, कुशमैन एंड वॉकफील्ड जो यूएस बेस्ड एक कंसल्टेंट रहते हैं, ये इन्हें क्या करते हैं, इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं, जिसमें इस बार 2020 में टॉप किया था चाइना ने, और इंडिया की रैंक रही थी 23rd, किसमें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क 2020 में। ओके, सो ये थी भी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं टोटल जितनी भी रिपोर्ट्स रही, इंडेक्स रही। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी रिपोर्ट रैंक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट जितना हमसे हो सकेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।